बहुत सारे लोगों को करेले की सब्जी खाना पसंद नहीं है क्योंकि वो कड़वी लगती है, और ख़ासकर छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते क्योंकि वो कड़वी लगती है और उनको टेस्टी भी नहीं लगती है। तो आज उनके लिए करेले की सब्जी की ऐसी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ जैसे गाँव में बनती है, कम कड़वी बट टेस्टी, बिल्कुल आसान है बनाना और कोई तामझाम नहीं है इसमें करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस करेले की सब्जी कम कड़वी बने और टेस्टी बने तो उसके लिए आपको छोटे साइज़ के करेले लेने हैं। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के करेले लिए करीबन 1/2 kg और उनको अच्छे से धो के ऐसे बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, एकदम पतले स्लाइस में कट कर लेना है। जिसमें बीज हो ऐसे करेले नहीं लेना है, और अगर बीज हो तो वो निकाल लेना है। अभी करेले का कड़वापन कम करने के लिए हमें यहाँ पे उनको नमक से मैरिनेट करना है। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है, 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पर नमक लेना है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच नमक डाल दिया है। अभी हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और सभी करेले नमक से कोट कर लेना है। नमक डालने के बाद हाथों से अच्छे से इसे कोट कर लेना है। नमक को अच्छे से करेलों के साथ मिक्स कर लेना है। सारे करेले एकदम नमक के साथ मिक्स हो जाए या कोट हो जाए ऐसे हमें इसे मिक्स कर लेना है। अभी एक डिश लेके करेले को आधे घंटे के लिए हमें ढक के रखना है। डिश ढक के रखेंगे तो गर्मी की वजह से करेले का जूस जल्दी से निकल के आएगा। आधा घंटा मैंने यहाँ पे करेले को अच्छे से ढक के रखा था तो इसका जूस यहाँ पे निकल के आया है। आप देख सकते हैं नमक का भी पानी छूट गया और करेले का भी पानी छूट गया है। ऐसे हाथों से दबा के देखेंगे तो पानी यहाँ पे निकल रहा है। तो इसी तरह से पानी हमें निकालना है। फिर से इसे 2 मिनट के लिए हाथों से ऐसे मिक्स कर ले तो पानी जल्दी से निकल के आएगा। फिर अच्छे से 2-3 पानी से हमें सादे पानी से इसे धो लेना है तो इसका कड़वा जूस अच्छे से धुल के निकल के आएगा। अगर इस तरह से प्रोसेस करके हम करेले की सब्जी बनाते हैं तो बिल्कुल कड़वी नहीं बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। 2-3 पानी से मैंने यहाँ पे करेले को धो लिया है। आप देख सकते हैं करेले पहले से थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी ये सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल लिया है। तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही ले। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। करेले को हमें तेल में ही पकाना है, पानी का यूज़ नहीं करना है। तो तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले या थोड़ी ज़्यादा ही ले। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमें यहाँ पे जीरा डाल देना है। जीरा मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से डालें। जीरा अच्छे से फुलाना है, उसके बाद ही हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। हींग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। इस सब्ज़ी में हींग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। जीरा और हींग अच्छे से फूल गया है तो अभी हमें यहाँ पर प्याज डाल देना है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐसे स्लाइस में कट करके लिए है। इससे सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। गांव में जो भी सब्जियां बनती हैं उसमें जो भी चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं सब्जियां, वो बड़े बड़े साइज़ में ही कट होती है। तो इसी तरह से हमें स्लाइस में प्याज कट कर लेना है, उससे सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। 2 मिनट प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो गया है। प्याज अच्छे से ब्राउन होने के बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है। अभी यहाँ पे मैं हरी मिर्च डालूँगी। इस सब्ज़ी में मैं सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ करने वाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी। इस करेले की सब्ज़ी में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च ली है, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। साथ में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। उसके बाद जो करेले मैंने धो के रखे थे वो डाल देना है। साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। इस स्टेज पे गैस फ्लेम हमें मीडियम टू स्लो ही रखना है, नहीं तो करेले और प्याज हमारे नीचे चिपकने लगेंगे या जलने लगेंगे। अब इसे मिक्स कर लेना है। इस सब्जी में हरी मिर्च का टेस्ट ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मिर्ची पाउडर नहीं डाला है और कलर भी सब्जी का अच्छा ही लगता है, हरा हरा। करेलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है प्याज के साथ। अब इसे ढक के हमें पका लेना है। पहले 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। बीच में आप इसे एक बार चेक करके चला लें, नहीं तो करेले हमारे बॉटम में चिपक सकते हैं या जल सकते हैं। फिर से ढक के हमें 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे टोटल 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट करेले को अच्छे से स्लो गैस पे पकाया है। थोड़े बॉटम में जल गए हैं मगर इसका टेस्ट अच्छा लगता है। गांव में तो इसे जानबूझकर करेले को थोड़ा सा बॉटम में जलने देते, उससे थोड़ा सा टेस्टी और स्मोकी फ्लेवर आता है। अभी करेले हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अभी ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। अभी बाकी बस 1-2 ही इन्ग्रीडियंट्स डाल के हमें सब्जी रेडी कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के एकदम लाल लाल टमाटर बारीक चॉप करके लिए है, वो डालना है। टमाटर से सब्ज़ी में थोड़ा खट्टापन आएगा और सब्ज़ी का कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। टमाटर के साथ मैं यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। करेले और प्याज हमारे पहले से फ्राई हो गए और पक गए हैं। अभी तो सिर्फ हमें टमाटर को ही पकाना है, इसलिए गैस फ्लेम लो ही रखें। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लें।
अभी आपको यहाँ पे सब्ज़ी का टेस्ट और कम करवाना है और टेस्ट बढ़ाना है तो आप इसमें कुछ मीठा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शक्कर और गुड़। मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, करेले के सब्ज़ी में ज़्यादातर गुड़ ही का यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे छोटे बॉल साइज़ का ऐसे गुड़ का टुकड़ा लिया है, उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया था, अभी उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुड़ की जगह आधा चम्मच या एक चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं, उससे कड़वापन का टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अभी 2 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पर पका लेना है। बिना शक्कर या गुड़ के भी ये सब्ज़ी टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने टमाटर डाला था। टमाटर यहाँ पे अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए, आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। अभी हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है और या गलाना नहीं है। सब्ज़ी अच्छे से पक के यहाँ पे तैयार है, तो गैस फ्लेम अभी बंद कर लेना है। अभी इस करेले के सब्ज़ी को हमें और ज़्यादा टेस्टी और देसी स्टाइल बनाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंगदाना पाउडर लिया है। सिंगदाने का एकदम पाउडर नहीं बनाना है, उसे हल्का सा क्रश कर लेना है, उसके बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में बिल्कुल एकदम ताज़ा हरा धनिया डाल लेना है, अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको सिंगदाना नहीं पसंद तो आप इसमें नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, सूखा या जो पानी वाला नारियल होता है उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट सिंगदाने का टेस्ट करेले के सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम गांव स्टाइल सब्ज़ी बनती है और उसके सिंगदाने के बाइट जो बीच बीच में आते हैं दांत के नीचे, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपके पास लोहे का बड़े साइज़ का तवा है तो आप उस पर भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। करेले की सब्ज़ी गाँव में लोहे के तवे पर बनाते हैं और चूल्हे पर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो तैयार है एकदम देसी स्टाइल करेले की सब्ज़ी, कम कड़वी और टेस्टी। इस सब्ज़ी को आप रोटी, चपाती, भाकरी के साथ खा सकते हैं। भाकरी के साथ ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और खाई जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी भाकरी के साथ ही लगती है। इस तरह करेले की सब्ज़ी बनाकर से एक बार ज़रूर देखें, आपके घर में सभी लोगों को पसंद आएगी और पसंद से खाएँगे। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग।